जय हिंद दोस्तों, मैं रत्नाकर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। कौन से क्वेश्चन आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि ये कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिफेंस के क्वेश्चन होते हैं, डिफेंस का जो एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स, नेवी, NDA और SSC GD, उन क्वेश्चनों के लिए, उन पेपरों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो कौन सा है? भौतिक विज्ञान। हम भौतिक विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत क्या होता है, जो पेपर होते हैं वो दो टाइप में होते हैं, एक एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप। तो एक्स ग्रुप में 70 नंबर का पूछा जाता है। 70 नंबर कैसे? 25 नंबर फिजिक्स और 25 नंबर मैथ और 20 नंबर की इंग्लिश। 25 25 50 और 20 70, 50 20 70, 70 नंबर का हो गया एक्स ग्रुप का। और जो वाई ग्रुप का पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है। ठीक, 15 15 रीजनिंग जनरल मैथ होती है और 20 नंबर की इंग्लिश होती है। तो हम एक्स ग्रुप के अंतर्गत जो भौतिक विज्ञान है उसके जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन क्वेश्चनों को जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि एक पिंड ए त्वरण से वृत्ति पथ में गति कर रहा है। कोई पिंड है जिसका त्वरण ए है। त्वरण ए मतलब ए गति से, जबकि त्वरण मतलब कभी मान ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक पिंड ए त्वरण से वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। अब यदि उसका वेग दुगना कर दिया जाए, उसका वेग क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए, तो वेग बदलने के बाद और वेग बदलने की पहले का त्वरणों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई पिंड वी वेग से गति, यू वेग से गति कर रहा था, बाद में उसका वेग वी हो जाता है। जब वह यू वेग से गति कर रहा था तो उसका त्वरण ए था। जब उसका वेग क्या हो गया? वी, वी मतलब दुगना हो गया, तो 2u। पहले वेग यू था, फिर दुगना हो गया तो 2u। तो यू बराबर, यू त्वरण कितना था? ए था। तो 2u त्वरण में कितना हो जाएगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब वेग दुगना किया जाता है तो त्वरण 4 गुना हो जाता है। त्वरण क्या हो जाता है? 4 गुना। तो वेग बदलने की बात का त्वरण मतलब बात का त्वरण और वेग बदलने के पहले का त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन इसमें है। ठीक, 1:4, 1:2, 2:1 और 4:1। अब मैंने क्या बताया कि अगर वेग को आप दोगुना करेंगे तो त्वरण 4 गुना हो जाएगा। तो बात का त्वरण क्या होगा? अगर मान लीजिए पहले त्वरण का मान 1 था तो बाद में कितना हो गया? 4 गुना। तो बात का त्वरण क्या होगा? 4, और पहला त्वरण 1। तो आंसर क्या होगा? 4:1, 4:1 मतलब चौथा आंसर राइट है। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में कि एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति क्या है? जब अंतरिक्ष में कोई यात्री उपग्रह में, उपग्रह सैटेलाइट, तो उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री घूमते हैं, तो उसको भारहीनता की स्थिति मालूम होती, इसलिए वो हवा में लटकने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो भारहीनता की स्थिति में होता क्या है? भारहीनता की स्थिति है क्या? ठीक, वो अभी उसका आंसर मैं बता भी चुका हूँ आपको। शून्य वेग, गुरुत्व कोई नहीं, शून्य संहिति, मुक्त रूप से गिरना। तो आंसर क्या होगा? मुक्त रूप से गिरना, मैंने बताया था। मैं क्वेश्चन में इसको गलती से बोल भी चुका हूँ। तो एक उपग्रह में जब कोई अंतरिक्ष यात्री घूमता है तो भारहीनता की स्थिति क्या है? वह गिरने लगता है, तब उसे भारहीनता की स्थिति होती। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से धातु का प्रतिरोध घटता है? धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो 4 ऑप्शन है, तांबा, टंगस्टन, जर्मेनियम या एल्यूमिनियम। अब इनमें से कौन सी ऐसी धातु है कि इसका ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध घट जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम। यह एक ऐसी धातु है जिसका अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं जो चौथा क्वेश्चन है। ये सब इम्पोर्टेंट ही हैं और पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, एक्स ग्रुप का, डिफेंस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव और एक होता है क्षैतिज ध्रुव, तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? ये सब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सब 12th सिलेबस के हैं, सब 12th सिलेबस के हैं, उसके बाहर का कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण, ऑप्शन कौन कौन से हैं? शून्य होता है, 45 डिग्री,
90 डिग्री या फिर 180 डिग्री, बताइए कौन सा सही होगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन कि एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्ति पथ में गति कर रहा है। कोई आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्ति पथ में गति कर रहा है, इसके परिक्रमण का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। अब वो परिक्रमण करता है तो परिक्रमण करने का जो आवर्तकाल है किस पर निर्भर नहीं करता है। आपके ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, आवेश, कण का द्रव्यमान या कण का वेग। जो कण परिवर्तन कर रहा है, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत वृत्ति पथ में गति कर रहा है, तो इसके परिक्रमण का जो आवर्तकाल है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, बताइए कौन सा सही आंसर है। कौन सा? कण का वेग। कण के वेग पर उसका आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। कहाँ गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ति पथ पर गति कर रहा है, तो उसका जो परिक्रमण का आवर्तकाल है वह किस पर निर्भर नहीं करेगा? कण के वेग पर, बाकी सब पर करेगा। चुंबकीय क्षेत्र पर करेगा, आवेश पर करेगा, और कण का द्रव्यमान जो होगा वो मान्य रखेगा, कण का वेग यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए छठवां क्वेश्चन कि एक नाभिक का परमाणु क्रमांक जड़ है। कोई नाभिक है, उसका परमाणु क्रमांक जड़ है तथा परमाणु भार m है। ठीक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए m माइनस जड़, m, जड़ या m प्लस जड़, इनकी इनका मतलब क्या है? m माइनस जड़ मतलब द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, या फिर द्रव्यमान या फिर परमाणु क्रमांक के बराबर, या फिर एम प्लस जेड मतलब द्रव्यमान प्लस परमाणु क्रमांक के बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो एम माइनस जेड होगी, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, एम माइनस जेड। परमाणु भार में से आप परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, मान लीजिए किसी परमाणु, कोई नाभिक है उसका परमाणु क्रमांक है 23, समझ गया, सोडियम की बात कर रहा हूँ, और उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11, तो 23 में से 11 घटा दीजिए बचा 12, ये न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ठीक, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर m माइनस जेड, m मतलब द्रव्यमान, जेड मतलब परमाणु क्रमांक, और m मतलब परमाणु भार। ठीक, अब अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन कि दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए जाने विद्युत उपयोग किए जाने वाला जो विद्युत परिपथ होता है उसे क्या कहते हैं? दिष्टकारी परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ होता है, एक दिष्टकारी परिपथ होता है। इस धारा दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा एक प्रत्यावर्ती धारा, तो यही दिष्टकारी परिपथ है। तो दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए, समान दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? दौलित्र कहते हैं कि फिल्टर कहते हैं या प्रवर्धक या फिर लॉजिक गेट कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए जाने वाले विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? तो फिल्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? फिल्टर। अगर एक समान आपको विद्युत परिपथ प्राप्त करना है तो उसे फिल्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां। 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, ठीक, 8.2 नहीं लिखा है, आठवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की दो पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है। एक दूसरे की ओर मतलब दोनों पास आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर गतिशील है। एक और गतिशील नहीं बोल रहा, अगर एक और गतिशील बोलता तो एक के पीछे एक जाती, एक दूसरे की ओर गतिशील मतलब दोनों पास पास आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर गतिशील है। इस निकाय के केंद्रक द्रव्यमान का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 5, 6, 8 या फिर 0, बताइए। 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंड हैं, ठीक, जो 2 किलोग्राम का पिंड है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और जो 4 किलोग्राम का वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक। तो 2 किलोमीटर और कहाँ पर है ये? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में एक दूसरे के एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो इस निकाय के जो निकाय बना दोनों का केंद्रक द्रव्यमान का वेग मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? तो द्रव्यमान का वेग क्या होगा बताइए? द्रव्यमान का वेग
जो उसका केंद्रक का द्रव्यमान होगा, निकाय के केंद्रक का द्रव्यमान क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल पर आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पर आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो केंद्रक का जो वेग, जो उसका केंद्रक होगा, केंद्रक द्रव्यमान का वेग कितना होगा मीटर प्रति सेकंड में? जीरो होगा, जीरो वेग होगा केंद्रक का। केंद्र का वेग कुछ नहीं होता। क्वेश्चन देखिए, केंद्र का वेग पूछ रहा है। केंद्रक, केंद्रक द्रव्यमान, केंद्र स्थिर होता है, उसका कोई वेग नहीं होता, शून्य वेग। ठीक। नौवां क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले की, एक कोई ठोस गोला है, स्मॉल आर वाले, स्मॉल आर उसकी त्रिज्या है गोले की, एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। इस अक्ष की गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये जो अक्ष है, गोले के केंद्र से क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। तो गोले के केंद्र से दूरी, ऑप्शन आर 0.5 आर, रूट, रूट लगा हुआ है 0.4 आर, या फिर रूट 0.2 आर। बताइए, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले की, कोई एक ठोस गोला, उसकी त्रिज्या आर है, एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या आर है, तो इस गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से, ये जो अक्ष है, अक्ष के गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी क्या हो जाएगी? तीसरा नंबर। आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर, रूट 0.4 आर। ठीक है, घूर्णन त्रिज्या क्या है? आर। जब त्रिज्या आर है तो केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी भाई? उसकी त्रिज्या आर है तो गोले के केंद्र से दूरी, दूरी केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी? 0.4 आर। ठीक। दसवां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? डेल यू बराबर जीरो, डेल यू बराबर ऋणात्मक, डेल यू बराबर धनात्मक, या डेल डब्ल्यू बराबर शून्य। रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइए? दसवें का बी दूसरा सही है, डेल यू बराबर ऋणात्मक। रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डेल यू बराबर ऋणात्मक। डेल यू का मान क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक आता है रुद्धोष्म प्रसार में। ठीक। अब देखिए ग्यारहवां, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर क्या होता है? कोई कण है, वह सरल आवर्त गति कर रहा है, तो जो कण का वेग माध्य स्थिति पर क्या होता है? माध्य स्थिति आप जानते हैं, माध्य स्थिति से आप परिचित होंगे, अधिकतम हो, न्यूनतम, अनंत, या फिर शून्य। माध्य स्थिति पर वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। माध्य स्थिति पर वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक। सरल आवर्त गति, कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो कण का वेग माध्य स्थिति पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। माध्य, याद रखिएगा, कण का वेग माध्य स्थिति पर सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है। ठीक। अब देखिए बारहवां क्वेश्चन, दो वर्ग मीटर की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, दो वर्ग मीटर की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकेंड में 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वही वर्ग मीटर, 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। दो वर्ग मीटर, वही मीटर स्क्वायर की एक कुंडली है, अब एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकेंड में, दो वर्ग मीटर की है कुंडली रखी जाती है चुंबकीय क्षेत्र, अब यह 2 सेकेंड में 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 मीटर प्रति सेकेंड से हो जाता है, कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, या फिर 7 वोल्ट। क्या है? 4 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 13वां, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन शुद्धिकरण, आवर्धन, दिष्टकरण, या फिर धारा आवर्धन।
दिष्टकरण कहलाता है। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, दिष्टकरण, ये तो आप नाम से ही आप जान गए, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना है, तो किस प्रक्रिया द्वारा, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दिष्टकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? दिष्टकरण। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन, यदि सोडियम धातु पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की दहली तरंग दैर्ध्य 5000 डिग्री एंगस्ट्रॉम है तो कार फलन ज्ञात करो। यदि सोडियम धातु, सोडियम यानी सोडियम धातु पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की दहली तरंग दैर्ध्य 5000 डिग्री एंगस्ट्रॉम है तो कार फलन ज्ञात करो। कार फलन क्या होगा? 15 जूल, 4×10^-19 जूल, 4×10^14 जूल, या 4×10^-22 जूल, क्या होगा कार फलक? 4×10^-19 जूल। कितना होगा कार फलक? 4×10^-19 जूल। अब देखिए, रेडियो तरंग को किस तरंग संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है? जो रेडियो तरंग होती है उसको किस संचरण द्वारा, किस माध्यम द्वारा, किस संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है? आपके ऑप्शन है भूतरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण, अंतरिक्ष तरंग संचरण, या फिर उपरोक्त सभी। रेडियो तरंग को किस संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, बताइए। तीनों तरंगों द्वारा भेजा जाता है, उपरोक्त सभी। भूतरंग संचरण द्वारा भी भेजा जाता है रेडियो तरंग को, व्योम तरंग संचरण द्वारा भी, और अंतरिक्ष तरंग संचरण द्वारा भी रेडियो तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान इन तीनों तरंगों द्वारा भेजा जाता है, ठीक। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 16वां, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास क्या होती है? दृश्य प्रकाश, प्रकाश एक अदृश्य, एक दृश्य, तो जो दृश्य प्रकाश होता है जो हमें दिखाई देता है, जिसमें हम देख पाते हैं वातावरण को, तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास क्या होती है, क्या होती है? ऑप्शन 4×10^-7 मीटर से 8×10^-60 मीटर तक, या फिर 4×10^-6 मीटर से 8×10^-8 मीटर तक, 4×10^-5 मीटर से 8×10^-9 मीटर तक, या फिर 4×10^-10 मीटर से 8×10^-10 मीटर तक, बताइए। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास इनमें से क्या होती है? पहला नंबर 4×10^-7 मीटर से 8×10^-7 मीटर तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास 4×10^-7 मीटर से 8×10^-7 मीटर तक, 4×10^-7 से 8×10^-7 तक, ठीक, पहले नंबर। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? एम इनवर्स, इनवर्स लिखा हुआ है, m^-1, एम इनवर्स L3 t-2, एम इनवर्स L3 टी इनवर्स, एम इनवर्स L2 t-2, m0 L0 या फिर t0, m0 L0 t0, इनमें से चारों में से क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, क्या है? पहला नंबर m इनवर्स L3 और t-2, ठीक, विमीय सूत्र क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, पहला वाला m इनवर्स L3 t-2। अब आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में, दो गेंदों को क्रमशः ऊंचाई से गिराया जाता है, उसके जमीन तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है शायद, दो गेंदों को क्रमशः चाय तक फेंका जाता है, √2.1, 1.√2, 2.1 या 4.111, इसके जमीन तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन शायद बीच में कुछ क्रमशः के बाद पॉइंट रहा है, छूट गया, चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं और 19वां क्वेश्चन देखते हैं। जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, कोई स्प्रिंग है उसको 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, संचित ऊर्जा 100 जूल है। जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो खींचने पर कुछ ऊर्जा आई, कुछ कार्य की तो ऊर्जा हुई,
तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। यदि उसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी? 2 सेंटीमीटर खींचे तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। अब वह बोलता है मेरे को 2 सेंटीमीटर और खींचना है, तब फिर संचित ऊर्जा में बढ़ोतरी, संचित ऊर्जा टोटल नहीं पूछ रहा, संचित ऊर्जा में बढ़ोतरी कितनी होगी? आंसर है 300। कितने जूल में, ये जूल में आंसर है दोस्तों, 300 जूल, 400 जूल या फिर 200 जूल या 100 जूल। संचित ऊर्जा जो है, ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी उसको 2 सेंटीमीटर और खींचती है तो कितने जूल की बढ़ोतरी होगी? तीन सौ जूल की बढ़ोतरी होगी। पहला नंबर कितने जूल की बढ़ोतरी होगी? 300 जूल की। 2 सेंटीमीटर अगर और खींच देती हैं तो जो जूल में बढ़ोतरी होगी वो कितने जूल की बढ़ोतरी होगी? ऊर्जा में 300 जूल की बढ़ोतरी होगी। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आते हैं। पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ पर तनाव, तो पानी पर जो पृष्ठ का तनाव किस तापमान पर सबसे कम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस या फिर 75 डिग्री सेल्सियस, बताइए। पानी का पृष्ठ तनाव, ध्यान देना, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ पर तनाव, जब बर्फ बन जाता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, उसके कण पास पास आ जाते हैं, उस पर तनाव ज़्यादा लगने लगता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर तनाव कम होगा, पानी बनेगा। 60 डिग्री सेल्सियस पर हल्का हल्का उबलना शुरू करेगा, 75 डिग्री सेल्सियस पर और उबलना शुरू करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबरने लगता है, तो पृष्ठ तनाव किस पर सबसे कम होगा? 75 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 75 डिग्री सेल्सियस पर, उसके कण दूर दूर जाने लगेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होगा, तो जो सबसे ज़्यादा दिया हो डिग्री सेल्सियस वही 75 डिग्री सेल्सियस, और सबसे अधिक कब होता तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 21वां क्वेश्चन कि जल की दो बूंदों का व्यास क्रमशः, जल की दो बूंदें हैं उनका व्यास क्या है क्रमशः? 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। दोनों के अंदर का दाब का अधिक अनुपात ज्ञात करो, 1:1, 5:3, 3:2 या फिर 2:3, क्या है? जल की दो बूंदें हैं, उन दोनों का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, दोनों के अंदर का दाब, पहले तो दोनों के अंदर का दाब निकालिए, फिर उसका अनुपात, दो दाब का अनुपात क्या होगा? 3:2, क्या होगा दाब का अनुपात? 3:2, तीसरा नंबर सही है। चलिए अब आते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन में, यंग की द्विस्लिट प्रयोग में, यंग का एक द्विस्लिट प्रयोग है, यह आपको प्रकाश वाले टॉपिक में मिल जाता है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ठीक, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम प्रकाश का प्रयोग करते हुए 92 फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। सोडियम प्रकाश, ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5, 8, 9, 8 एंगस्ट्रॉम, 5, 8, 9, 8 क्या लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हुए 92 फ्रिंजें, इसका अगर सोडियम का प्रयोग करेंगे तो 92 फ्रिंजें प्राप्त होती है। साइड में मान देख लीजिएगा ध्यान से, अगर इसका प्रयोग करते हैं सोडियम का तो 92 फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अब पूछता है कि अन्य प्रकाश 5,461 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करें तो फ्रिंजों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों मैं बता दूँ कि पहले ऑप्शन देख लीजिए, 62, 99, 67 या फिर 85, बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप जो पदार्थ ले रहे हैं उसका जो मान है, जैसे सोडियम का प्रकाश का जो एंगस्ट्रॉम मानो कितना है, 5,898, और जो अन्य प्रकाश ले रहे हैं उसका 5,461, तो आप जितना कम लेंगे मान उतनी फ्रिंजों की संख्या ज़्यादा प्राप्त होगी, फ्रिंजों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा प्राप्त होगी। तो सोडियम में अगर 92 प्राप्त हुई हैं तो जो 5,461 है तो फिर उसमें क्या होगा? ऑप्शन में देखिए 92 से ज़्यादा कोई है, 99, तो आंसर क्या होगा, 99, बाकी सब 92 से कम है, 62, 67, 85, बाकी आप इसको सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए 23वां, दो समांतर प्लेटों की विभव, दो समांतर प्लेटें हैं उनके विभव क्रमशः कितने हैं, -10 वोल्ट व 30 वोल्ट है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन 2000 वोल्ट प्रति मीटर, 1000 वोल्ट प्रति मीटर, 500 वोल्ट प्रति मीटर या 3000 वोल्ट प्रति मीटर मीटर। ठीक, 23वां बताइए, देखिए दो समांतर प्लेटें हैं उनके विभव क्रमशः हैं
-10 वोल्ट और 30 वोल्ट है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो 2000 वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा? 2000 वोल्ट प्रति मीटर। चलिए 24वां क्वेश्चन। किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का उपयोग किया जाए, सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप, तो उसमें वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए, वस्तु को देखने के लिए अगर लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का उपयोग किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी विभेदन क्षमता घट जाएगी, बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी? मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप नीला प्रकाश डालिए चाहे आप लाल प्रकाश डालिए। देखिए किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए यदि लाल के स्थान पर आप नीला प्रकाश डालेंगे तो उसकी जो विभेदन क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसकी विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विभेदनी की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। अगर आप लाल के स्थान पर नीले प्रकाश का उपयोग करेंगे तो उसकी विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 25वां क्वेश्चन जो कि अंतिम है। द्विपरमाणविक गैस हेतु गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात CP/CV का मान क्या हो? दोस्तों इसका अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपको मिल जाएगा, आप उससे जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, द्विपरमाणविक गैस हेतु गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात CP/CV का मान क्या होगा? 1.16, 1.33, 1.4 या 1.0? CP/CV का मान क्या होगा? दो विशिष्ट ऊष्माएँ हैं उनका अनुपात का मान क्या होगा? तो 1.4 क्या होगा? 1.4 CP/CV का मान 1.4। द्विपरमाणविक गैस हेतु गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात CP/CV का मान क्या होगा? तो 1.4 होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछे जा चुके हैं 25 के 25। ठीक, चलिए दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आंसर की या PDF कहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक दी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम मैथ का लाएंगे 25 क्वेश्चन, फिर उसके बाद इंग्लिश के, इसी तरह वाई ग्रुप में और एक्स ग्रुप में। ठीक है, ये सब एयरफोर्स के क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।